हैंडमेड रेप्लिका बाय एस ऑफ कैन इंडिया। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एस ऑफ कैन इंडिया। एस ऑफ कैन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कैन है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइम्स की, आपने मूवीज़ में देखी होगी या फिर अगर किसी आप रॉयल होटल्स वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे आप जो है इस तरीके की गन्स देखी होगी। दिस इज़ बेसिकली हैंडमेड रेप्लिका गन। ये जो है हाथों से बनाई जाती है, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हैंडमेड है, तो इसकी आप जो है देख सकते हैं, आपने शायद ये कुछ मूवीज़ में देखा होगा। ये जो है बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डिमांडेड होते हैं। और इसी तरीके की जो गन्स है वो मशीन्स थ्रू भी बनाई जाती है, बट दिस इज़ हैंडमेड। सो आप देख सकते हैं, एंड ये जो है थोड़ा सा यू नो ओल्ड टाइम्स की, आपने वॉर वगैरह जब होते थे तब ये उस टाइम्स पे यूज़ होती थी। कुछ मूवीज़ बता दो, जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान है या हेरा फेरी देखा होगा आपने या फिर मणिकर्णिका है, उसमें भी आपको जो है इस तरीके की जो गन है देखने के लिए मिली होगी। सो ये वही गन है जिसमें फिर हेरा फेरी मूवी में बोला था कि 18 गन्स ढूंढने हैं आपको और उसमें से वो 15 लेके आते, 3 गायब हो जाते, तो कुछ उस तरीके की जो है ये गन्स है। सो बहुत अच्छी है। एंड लाइक आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आप कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या इंटीरियर डिज़ाइन करने का लेते हैं, सो कुछ इस तरीके की जो आप जो है वॉल पे हैंग कर सकते हैं या लटका सकते हैं। सो बहुत यू नो रॉयल जैसा फील देता है आपको। जयपुर में कुछ लाइक यू नो रॉयल होटल्स हैं तो वहाँ पे जो है इस तरीके की जो गन्स है वहाँ पे ज़रूर यूज़ की जाती है टू डेकोरेशन। एंड ये मूवीज़ में भी यूज़ होती है क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को जो है थोड़ा सा इन्हांस करना होता है। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लुक देती है। सो पहले के टाइम में कुछ किस तरीके से यूज़ करते थे मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है इसको यहाँ से पीछे ऐसे लोड करना होता, बट उसके पहले जो है आपको जो है बुलेट्स वगैरह इंस्टॉल करने होते थे। अब के टाइम पे तो बुलेट्स आते हैं, बट पहले टाइम पे आपको पता होगा गोला या बारूद वगैरह होते थे, तो उस टाइम पे जो है आपको वो छोटी गोली टाइप की कुछ आती थी, आपको यहाँ पे इसके बैरल में डालना है और थ्रू दिस जो है आपको ये अंदर डालने के बाद आपको और ऐसे ऐसे करना होता था। सो इसके बाद जो है ये आप जो है इसके अंदर ही लगा सकते हैं, ये लग गए और ये पीछे जो है आपको लोड करना है और ये लोड हो गई, बस आप ट्रिगर करेंगे ये फायर हो जाती थी। तो ये बहुत लाइक सिंगल शॉट की होती थी, बट ये थोड़ी सी क्योंकि पुरानी है तो बहुत ज़्यादा यू नो दिल से जुड़ी हुई चीज़ होती, तो ये हर कोई नहीं खरीदता। जो समझदार है लाइक उनको पता है कि ये वाकई में इस चीज़ की वर्थ क्या है, वो लोग ही इसको ख़रीदते हैं। सो अभी जो है आप ये ऑर्डर करते हो तो ये एग्जैक्टली यूज़ गन नहीं है, लाइक यू यूज़ नहीं कर सकते आप, ये रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब खाली आप घर पर रख सकते हो सजाने के लिए या उस तरीके से, या फिर थोड़ा रॉयल फील देने के लिए क्योंकि ओल्ड टाइप की दिखती है, तो यस आप रख सकते हो। इसको ऑर्डर करने से पहले जो है मैं ये बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी फिनिश में नहीं आएगी क्योंकि ये हैंडमेड है, तो जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे कोशिश कीजिए ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें, क्योंकि है तो ये ओल्ड टाइप की, तो बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन रखना गलत बात हो जाएगी। थोड़ी ओल्ड फिनिश की है तो ओल्ड जैसा ही लगेगा आपको। इस गन को जो है हर कोई खरीद सकता है, बट कीमत जो है सिर्फ उनको ही पता है, वैल्यू उनको ही पता है जिनको एक्चुअली इस गन के बारे में पता है, जो एक्चुअली इस गन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बहुत ज़्यादा पागल हैं, वही इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको बिना लाइसेंस में ख़रीद सकते हैं। सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन फ्यूचर आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा क्योंकि हम कोई भी मिसयूज़ नहीं करते हैं। एंड इसको अगर आप ईएमआई पे ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको ईएमआई पे भी ख़रीद सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है क्लिक करना है, वेबसाइट से जाकर के आप बाय नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इफ़ ऑर्डर प्लेस करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, आपको स्क्रीन पे कॉलिंग नंबर एंड आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप दोनों पे जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, आपको जो है वेबसाइट पे कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप हमें कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट करना है, हमारी तरफ से जो कॉल होती है वो आ जाती है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@airsoftgunindia.com या airsoftgunindia@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको मिल जाए। सो टिल देन गाइस, हैव फन।